जब हम मंदिर मस्जिद की खबरों की बात करते हैं तो फिर हम महंगाई और बेरोजगारी को भी नहीं भूलते। जब हम ताजमहल और कुतुब मीनार की बात करते हैं तो हम जनता से जुड़ी बुनियादी जरूरतों की बातों को भी नहीं भूलते। लेकिन इस वक्त आपको उसी खबर से रूबरू कराएंगे, लेकिन पूरे विस्तार के साथ, विश्लेषण के साथ, जो आप जानना चाहते हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद और काशी में मंदिर, ये मुद्दा काफी सुर्खियों में है, इससे भी आपको रूबरू कराएंगे। और इसके साथ ही बात करेंगे एक और अहम खबर की, राज्यसभा चुनाव को लेकर। खबर पर पकड़, हर एक खबर विस्तार के साथ, विश्लेषण के साथ, गहराई के साथ। ज्ञान व्यापी, ये शब्द खूब सुर्खियां बटोर रहा है। ज्ञान की बात इसमें है, अज्ञान की बातें भी आ रही हैं, ज्ञान की बातें भी आ रही हैं। लेकिन ये मामला क्यों और कैसे उठा, ये मामला यहां तक किस तरह पहुंचा, आज सब कुछ आप जानने जा रहे हैं। इस मामले में वाराणसी की लोअर कोर्ट ने एक पक्ष को झटका दिया। गुरुवार को कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। कोर्ट ने अब इस मामले में 17 मई तक सर्वे की रिपोर्ट मांगी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जो लोग सर्वे में बाधा डालने की कोशिश करेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ज्ञान व्यापी को लेकर ऐसे कौन से सवाल हैं, और जो सवाल हैं उनके बारे में आप जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है, तो आइए जानते हैं वो सवाल, और उसके बाद एक एक करके आपको हर एक चीज से रूबरू कराएंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए, जो सवाल है, वाराणसी के ज्ञान व्यापी को लेकर इतनी चर्चा क्यों है, इस पर बात होगी। सुबह से आपने हो सकता है सुना हो, लेकिन अब और कुछ खास तरीके से। क्या है ज्ञान व्यापी का मतलब, ज्ञान व्यापी का इतिहास क्या है, ज्ञान व्यापी का विवाद क्या है, हर एक बात इस बुलेटिन में, इस खबर पर पकड़ के दौरान। ज्ञान व्यापी की अगर बात की जाए, जो इतिहास की अगर बात है, तो इतिहास में अलग अलग जानकारियां मौजूद हैं। विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी की नजर थी। 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़फोड़ करवाई थी। 15वीं सदी में राजा टोडरमल, जो इतिहास के मुताबिक अलग अलग जानकारों के मुताबिक अलग अलग बातें हैं, तो कुछ बातें इस तरह से कि मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और अगर बात की जाए तो जिस तरह से पूरा जो मुद्दा उठा है, इसमें अब इतिहास को खंगाला जा रहा है, इतिहास की बातें की जा रही हैं, और इतिहास की बातें करने के साथ इसमें सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपने अपने पक्ष हैं। कोर्ट का कहना है कि हर एक पक्ष पर नजर रखी जाएगी, हर एक पक्ष पर बात होगी। लेकिन जिस तरह से इतिहास की अलग अलग जानकारियां मौजूद हैं, इतिहास की जानकारियों की अगर बात की जाए तो उसमें अलग अलग जानकारियां हैं। विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहले 1194 में मोहम्मद गौरी की नजर थी। 1194 में मोहम्मद गौरी ने तोड़फोड़ करवाई थी। 15वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। 1669 में औरंगजेब ने फिर काशी विश्वनाथ पर हमला किया और औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाया। इतिहास की बातें जो हिंदू पक्ष उनकी तरफ से कहा जा रहा है, उसी के ढांचे पर मंदिर बनवा दी गई है। उसी ढांचे को मस्जिद, ज्ञानव्यापी मस्जिद कहा जाता है। मस्जिद का पिछला हिस्सा बिल्कुल मंदिर की तरह है, हिंदू पक्ष का यह भी कहना है। सन 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई ने काशी के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने करीब 1 टन सोना मंदिर के लिए दान दिया था। तो एक पक्ष का ही अपनी तरफ से बात निकलकर सामने आई। अब यहां पर बहुत से और भी पहलू हैं। दो पक्ष हैं, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष, दोनों के अपने अपने दावे हैं, दोनों के अपने अपने अधिकारों की बात है। काशी जो लोग गए हैं उन्होंने देखा होगा, बहुत खूबसूरत यहां का नजारा होता है। लेकिन इस वक्त फिर से जो मंदिर मस्जिद का विवाद है हमारे देश में, फिर से शुरू हो चुका है। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद पर वाराणसी की सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। 2 साल में 13 सुनवाई के बाद कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कमिश्नर हटाने से साफ कर दिया है, इनकार कर दिया है। और क्या कुछ बड़े फैसले कोर्ट ने सुनाए, ये रिपोर्ट। ज्ञानव्यापी मस्जिद पर संग्राम और 2 साल में 13 सुनवाई के बाद वाराणसी की सिविल कोर्ट ने मामले में फैसला सुना दिया है। मामले में 3 दिनों तक एक एक तथ्य ध्यान से सुनने के बाद सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोर्ट का फैसला सुनाया। कोर्ट के फैसले के हिसाब से ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। साथ ही अदालत ने इस मामले में 17 मई को रिपोर्ट मांगी है, यानी इससे पहले सर्वे पूरा करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि सर्वे में बाधा डालने वाले लोगों पर कार्रवाई होगी।
कोर्ट ने कमिश्नर हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने दो सहायक कमिश्नर भी नियुक्त किए हैं। मुख्य कमिश्नर अजय मिश्रा बने रहेंगे। सहायक कमिश्नर के रूप में विशाल सिंह और अजय सिंह की नियुक्ति होगी। 17 मई तक सर्वे का काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन को कार्रवाई को पूरा करवाने का आदेश है। राज्य सरकार को कार्रवाई का सुपरविजन करने का आदेश है। सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे की कार्रवाई होगी। कार्रवाई के दौरान फोटो और वीडियोग्राफी कराने की आजादी होगी। किसी भी स्थिति में कार्रवाई नहीं रोकी जाएगी। मामले में एक पक्ष के वकील ने बताया है कि कोर्ट ने पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन को आदेश है कि इस कार्रवाई को पूरा कराया जाए। जो भी लोग इसमें बाधा डालेंगे उन पर एक्शन होगा। नहीं बदले जाएंगे। अजय कुमार मिश्रा के साथ विशाल सिंह भी लगाए गए हैं और किसी कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है, तो भी कमीशन कार्रवाई होगी। और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। दूसरे पक्ष के वकील का कहना है कि राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सर्वे पूरा कराया जाएगा और कमिश्नर 17 मई को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये बात जज साहब बताएंगे और आर्डर के ऊपर किसी का प्रभाव नहीं रहता है। हम लोग अपनी बात का बहस कर देते हैं और न्यायालय उस बात को कोड कर लेती है और सारी बातों को आर्डर में होल्ड करते हुए पक्ष विपक्ष की बातों को ध्यान रखते हुए आर्डर उनको करना होता है। पूरे मामले में कोर्ट के फैसले पर बीजेपी का क्या कहना है वो भी सुनिए। यह न्यायालय ने सिद्ध किया कि इस लोकतंत्र में न्याय तंत्र चलेगा, भीड़ तंत्र नहीं चलेगा। और तथ्यों को और सत्य को जानने के लिए न्यायालय के सर्वेक्षण में सारे पक्षों को सहयोग करने की आवश्यकता है। यही संविधान की दरकार है, यही न्याय की दरकार है। कुछ लोगों ने भीड़ तंत्र के बूते पर पूरे मामले को विलंबित करने का और उसको अनावश्यक सांप्रदायिक रंग चढ़ाने का जो प्रयास किया वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण था। जिस तरह से इस मामले में कोर्ट कमिश्नर ने दो और सहायकों की नियुक्ति करके 17 मई तक सर्वेक्षण को पूर्ण करने का निर्देश दिया है, उससे ज्ञानवापी के विवाद के संदर्भ में जो तथ्य और सत्य हैं वह सार्वजनिक होना सुनिश्चित है। और मुझे लगता है कि इस फैसले का हर पक्ष को स्वागत करना चाहिए। फिलहाल इंतजार 17 मई का रहेगा। चप्पे चप्पे के सर्वे के बाद 17 मई को पता चलेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर शुरू हुआ विवाद क्या मोड़ लेता है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक। तो दो तीन बातें हैं और बातें मुख्य ये भी हैं कि जब सर्वे होगा तो उसमें किसी तरह की बाधा न डाली जाए, बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सर्वे के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आएगा और कब तक ये मुद्दा ये लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा भी है तो साथ साथ ही राजनीतिक दलों का पसंदीदा मुद्दा भी है। तो इसी के साथ अब एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कुछ जानकारियां जो जानना जरूरी है, अहम बातें जो जानना जरूरी है कि क्या है ज्ञानवापी का मतलब, ज्ञानवापी का मतलब क्या है। ज्ञानवापी शब्द वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर शब्द से जुड़ा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के साथ मस्जिद भी है। ज्ञानव्यापी शब्द ज्ञान प्लस वापी, संज्ञान संधि वापी से बना है जिसका मतलब है ज्ञान का तालाब। ज्ञानव्यापी नाम उस तालाब की वजह से है जो आप मस्जिद के अंदर है। भगवान शिव के गण नंदी मस्जिद की ओर मुंह किए हुए और उसी को लेकर यहां पर बहुत से दावे भी हैं और इन दावों को लेकर मामला कोर्ट में भी है। कोर्ट में दोनों पक्ष अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कोर्ट में सर्वे को लेकर बात हुई है। इसके साथ ही ज्ञानव्यापी का विवाद क्या है और कब शुरू हुआ यह भी बहुत अहम बात है कि इसको जानना भी जरूरी है कि यह विवाद शुरू क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। लोगों के जहन में, लोगों की जुबान पर यह तो है कि ज्ञानव्यापी मंदिर और मस्जिद ये सारी चीजें हैं, लेकिन विवाद शुरू कब हुआ। तो ज्ञानव्यापी परिसर में मस्जिद को लेकर विवाद शुरू से रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि 400 साल पहले मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई। इस ज्ञानव्यापी मस्जिद का संचालन अंजुमन इंतजामिया कमेटी करती है। 1991 में वाराणसी के सिविल जज की अदालत में एक याचिका लगाई गई थी। ज्ञानव्यापी मस्जिद है, वहां पहले भगवान विश्वनाथ का मंदिर था, यह हिंदू पक्ष का दावा है। याचिका में मांग की गई है कि ज्ञानव्यापी परिसर को मुस्लिम पक्ष से खाली करवाया जाए।
हिंदू पक्ष को परिसर सौंपने की मांग की गई है और इसी मांग को लेकर अब दोबारा से यहां पर चर्चाएं शुरू हुई हैं। इसके साथ ही यहां पर पूजा को लेकर भी बातें आई, कुछ महिलाओं की तरफ से अपना एक पक्ष रखा गया, वो भी एक अलग विषय है। तो उसको लेकर ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब लोगों की जुबान पर भी हैं, सियासतदानों की जुबान पर भी हैं, जहां राजनीतिक लोगों की तरफ से इस पर बयानबाजी के जरिए कुछ राजनीतिक फायदों के इस्तेमाल की बात हो रही है, उन पर आरोप लग रहे हैं। तो वहीं लोगों का ये कहना है कि हमारी भावनाओं से जुड़ा मामला है और इस मामले में बहुत ही समझदारी से काम किया जाना चाहिए। अब अहम बात यहां पर यह भी है कि किस तरह से इस मामले को कोर्ट की तरफ से देखा जाएगा। कोर्ट में भी पूरा मामला है, सर्वे में क्या निकलकर सामने आएगा, फिर किस तरह की और सुनवाइयां होंगी, ये आने वाला वक्त बताएगा।